दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे केतु के रत्न लहसुनिया से जुड़े दो तीन प्रश्न जो कि पूछे हैं राज सोनी जी ने। राज सोनी जी ने बहुत समय पहले पूछा था, लगभग 1 महीना हो गया है, और मुझे अभी तक याद था क्योंकि वो रेगुलर वीडियो में कमेंट इत्यादि करते हैं। उनका जो स्नेह है उस कारण वैसे तो मैं सोच रहा था राज सोनी जी कि मैं सूर्य से लेकर के, क्योंकि कुछ जानकारी वैसे तो मैंने प्रत्येक वीडियो बनाई है, एक एक प्रत्येक ग्रह पर उन वीडियोस में मैंने जानकारी दी है और निश्चित ही वो जानकारी पूरी जानकारी है, लेकिन अगर कोई भी प्रश्न उठता है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रखा था। लेकिन आपने जो सवाल किए थे तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था कि वीडियो का समय नहीं मिल पा रहा है। अब ये समय निकालना ही बड़ा मुश्किल हो गया है और अभी ऐसी व्यस्तताएं हैं। एक तो सावन का महीना है, आप लोगों में से कई लोगों के तो रुद्राभिषेक चल रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मुझे ही करना पड़ रहा है, संकल्प इत्यादि देखना पड़ रहा है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी देखना होता है। तो बहुत सारी व्यस्तताएँ हैं, उसमें वीडियो भी पहले मैं आपको 2 वीडियो दे देता था, अब 1 दे पा रहा हूँ, तो उसका कारण यही है कि समय का अभाव है। लेकिन आपका ये प्रश्न था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, प्रश्न आपने पूछा था लेकिन समय नहीं निकाल पाया। आपको मैंने बताया भी था थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन आपका धैर्य वाकई में लाजवाब, और आपने अपना स्नेह मुझ पर बनाए रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल लोगों का क्या है, लोग तो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो सदा बना रहे, इसके लिए ये आपने जो भी प्रश्न किए हैं, एक तो वजन के हिसाब से कितने रत्ती का पहने, ये दूसरा आपका किस हाथ में और किस उंगली में धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले वजन के हिसाब का आपका बता देते हैं। वजन के हिसाब का ऐसा होता है कि वैसे तो YouTube पर हजारों वीडियो होंगी इस विषय में, और आप चाहते तो उधर भी देख सकते थे और शायद आपने देखी भी हो, लेकिन भ्रामक पूर्ण जानकारी है। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले ये देख लें कि वजन के हिसाब से कितना पहना जाए। तो वजन के हिसाब से मैं आपको यही सलाह दूंगा, या कोई भी व्यक्ति, आप लोग अगर 25 साल आपकी उम्र हो चुकी है, 25 वर्ष के आप हो चुके हैं, 25 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में यानी कि जीवन पर्यंत आप अगर लहसुनिया रत्न पहन रहे हैं, केतु का रत्न, तो उसमें आपको निश्चित ही ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको 6.25 रत्ती से ऊपर आप 8 रत्ती के बीच का लहसुनिया पहने, अगर 25 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है। कम है अगर तो आप 5 रत्ती, और अगर उससे भी कम है, वैसे तो बहुत कम उम्र पे रत्न इत्यादि नहीं पहनने चाहिए, तो यहाँ पर 18 वर्ष आपकी हो गई है लगभग, अगर उम्र 18 वर्ष से 25 के बीच में है तो 5 रत्ती पहन लें आप, इतना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 5 रत्ती, 5.25 रत्ती बहुत ही श्रेष्ठ है। अब दूसरा, यहाँ पर आपने पूछा किस हाथ में, तो हाथ में सबसे बड़ी बात है कि हाथ में बताया जाता है कि अगर आप स्त्री हैं तो आप बाएं हाथ में, और अगर पुरुष हैं तो दाएं हाथ में। लेकिन यहाँ पर बाएं और दाएं में एक फर्क और है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि आप क्या अपना कार्य करती हैं, या कहीं मतलब आप पैसा कमाती हैं, आप गृहिणी नहीं हैं, केवल हाउस वाइफ नहीं हैं। तो अगर पैसा कमाती हैं आप, तो इसमें आप निश्चित ही सीधे हाथ में ही पहने, आप महिला हैं तब भी आप सीधे हाथ में पहने, सभी को सीधे हाथ में ही पहनना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौन से उंगली में पहने, तो यहाँ पर शास्त्र में मतभेद हैं और कुछ लोगों में मतभेद हैं। कोई कहता है कि मध्यमा उंगली में पहने, कोई कहता है कनिष्ठ का उंगली में पहने। अब यहाँ पर आपको एक तर्क देते हैं कि जो केतु का रत्न है वो सूर्य के रत्न माणिक्य के साथ, चंद्रमा के रत्न मोती के साथ में, और गुरु के रत्न पुखराज के साथ में, मंगल के रत्न मूंगा के साथ में, ये नहीं पहना जाता है, नहीं पहना जाता है। तो इन रत्नों के पीछे का लॉजिक क्या है? आप चंद्रमा का रत्न क्यों नहीं पहना जाता? क्योंकि वो कनिष्ठ का उंगली में पहन सकते हैं, केतु का रत्न लहसुनिया।
अब यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि केतु का रत्न लहसुनिया आप निश्चित ही कनिष्ठकम पहन सकते हैं। मध्यमा उंगली की बात करें तो मध्यमा उंगली क्या है? मध्यमा उंगली शनि की उंगली है और इसमें निश्चित ही इसमें भी आप पहन सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह है कि शनि के साथ में तो हम केतु का रत्न लहसुनिया पहन सकते हैं शनि के रत्न के साथ में। तो फिर तो यहाँ पर यही है आपके लिए कि आप मध्यमा उंगली में भी पहन सकते हैं और अपनी कनिष्ठिका में। अब आपको ये देखना है कि आपने वैसे तो चंद्रमा का रत्न मोती आपने पहना है तो आप पहनिए मत, तो जब नहीं पहनेंगे तो उसमें ही आपको पहनना चाहिए। दूसरी मध्यमा उंगली उसमें आपको तब पहनना चाहिए जब आपने शनि का रत्न ना पहना हो, यही है जानकारी। और इन दोनों उंगलियों में सबसे जो सटीक है, जो सबसे अच्छा है, वो आपकी कनिष्ठिका उंगली ही मानी जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का रत्न केतु के साथ में नहीं पहना जाता है, तो इसलिए ये चंद्रमा के लिए और बहुत ही सही है। तो पहली बात तो आप कनिष्ठकाम पहने, दूसरी बात अगर आपने पन्ना या मोती पहन रखा है तो मध्यमा पहने, यही आपके लिए है दोनों उंगली, तो इसमें आप पहन सकते हैं, कोई भ्रांति नहीं है। और आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो आप जानकारी लेना चाहते थे वो आपको प्राप्त हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।